हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ और मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो बना दिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपसे सोशोलॉजी का इंग्लिश मीडियम में, जिसका कोड 039 है, ठीक है, 2022-23 का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, मिड टर्म में जो कि आपका अक्टूबर को एग्ज़ाम है, आपकी दो बुक्स हैं सोशोलॉजी की, अगर आपको ये पता होना चाहिए। आपकी दो बुक्स हैं, बुक नंबर एक इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी और दूसरी जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग सोशोलॉजी है, ठीक है। तो आपकी जो पहली बुक है उसी में से आपके मिड टर्म में पेपर में चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और एक बार बता दूँ कि ये बच्चों को जब पहले बुक से पढ़ते तो काफ़ी टफ लगता है, तो वो पहले जो सपोर्टिव मटेरियल उससे स्टडी करें, ठीक है, और इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। ये टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा स्कोर वो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बुक से ही आएगा आपका मिड टर्म में, दूसरी बुक से आएगा आपकी सेकंड टर्म में। तो आपको दोनों बुक करनी पड़ेंगी, क्योंकि फाइनल टर्म में जो आपका पेपर है उसमें आपका सारा सिलेबस आएगा। और सारा सिलेबस का मतलब ये नहीं जो इसमें चैप्टर्स नहीं दे रखे वो भी आएंगे, वो नहीं आएंगे। जो इसमें दे रखे केवल आपको वो करना है, जो नहीं दे रखे वो चैप्टर वो डिलीटेड है। और ये मत सोचना चैप्टर वन लिखा तो चैप्टर वन आपकी बुक में भी, आप टॉपिक, ये चैप्टर का टॉपिक देखो, ये वाला टॉपिक देखना है आपको, ठीक है, सुन रहे मेरी बात। तो उसके मिड टर्म के पेपर के बाद आपकी जो बाकी पे चैप्टर हैं सेकेंड फोर्थ, ये आपकी दूसरी बुक में है, तीन चैप्टर आपके, ठीक है। जो चैप्टर इसमें नहीं लिखे डियर वो डिलीटेड हैं, ठीक है। और फाइनल टाइम में आपको पूरा सिलेबस आएगा, वो सिलेबस विल बी कवर्ड इन कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन में आपको 2022-23 में पूरा आपका आएगा, ठीक है। तो उसके और आपको स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं वो तो आपको बता ही देंगे स्कूल वाले। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।